सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर मुदसिर, मैं एसीएस कैटल फीड पारस न्यूट्रिशन से। आज जिस विशेष टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है काफ न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। जो आज के टॉपिक के जो मेन कंटेंट्स रहेंगे वो मैनेजमेंट, जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले, बच्चे पैदा होने के बाद कौन से मैनेजमेंट, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, और उसके बाद न्यूट्रिशन में हमें काफ को क्या क्या खिलाना है। एक फेमस फ्रेज है या एक फेमस सेइंग है, जो सफल या सक्सेसफुल डेयरी फार्मर होता है वो अपनी ब्रीड खुद प्रिपेयर करता है, ना कि वो खरीदता है। वो कैसे? वो जब गाय से बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके उसको अच्छे तरीके से केयर करके, मैनेजमेंट उसको अच्छा देके, उसको अच्छी फीडिंग करके वो एक अच्छी ब्रीड प्रिपेयर कर सकता है। अगर वो सोने से पहले ही उस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखे, कैसे? उसके रोमन डेवलपमेंट का ध्यान रखे, उसके बॉडी वेट का ध्यान रखे, उसको जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उनसे बचा सकता है, तो वो एक अच्छी ब्रीड प्रिपेयर कर सकता है, जिससे वो मतलब जिससे वो एक अच्छी ब्रीड प्रिपेयर कर सकता है। उस ब्रीड से वो क्या ले सकता है कि वो उसको हम जो प्यूबर्टी एज वो अर्ली स्टार्ट होगी, और जो काविंग एज उसकी होगी, जो पहली काविंग एज होगी वो अर्ली हम ले सकते हैं। उससे क्या फायदा है? उससे हम कई सुअर से या कई लैक्टेशन ले सकते हैं, और उससे एक अच्छी प्रोडक्शन भी हम ले सकते हैं कई सालों तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। जो मैनेजमेंट जो काफ का स्टार्ट होता है वो वेल बिफोर बर्थ या पैदा होने से पहले स्टार्ट होता है, जिन जो ड्राई पीरियड से ही हमें गाय का अच्छे से ध्यान केयर करना या ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो क्या क्या है, वो और किन चीज़ों का हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और वो क्या क्या है। जिन चीज़ों जो भी गाय सोने वाली हो, जो भी गाय गबन हो या प्रेग्नेंट हो, उसको हमें एक अच्छा जो 2 45 दिन से लेके 2 महीने का एक ड्राई पीरियड हमें देना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, वो एक काफ की ग्रोथ उससे अच्छे से होगी। किन चीज़ों का ध्यान देना है उसको हमें, इसको उस इसमें हमें जो मेनली फैट सॉल्युबल विटामिन्स का ध्यान देना ज़रूरी है, उसको सप्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट कि उसकी जो कोलेस्ट्रम या जो फीटल ग्रोथ वो अच्छे से हो जाए, जो उसके यूट्रस में या बच्चादानी में जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, और जो कोलेस्ट्रम की मात्रा जो सोने के बाद वो क्वालिटी वाला कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस करे। और इसके साथ साथ हमें अगर लगे कि जो क्लोज अप गाइज है, जो क्लोज अप एनिमल्स है जो सोने वाली हो, उनको हमें दिन में 2 बार देख लेना चाहिए, उनमें कोई दिक्कत या उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही है। और जिन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए वो है कि हमें जो ड्राई पीरियड वो अच्छा देना चाहिए, जो 2 महीने से कम या 45 दिन से कम नहीं देना चाहिए। इसमें जो हाई कैल्शियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को बहुत कम, ज़्यादा नहीं करना है। इसके साथ साथ जो गाय सोने वाली हो उसको हमें 10 दिन जब सोने को रहेंगे उसकी मूवमेंट को थोड़ा कम करना है, उसको हीट स्ट्रेस या कोल्ड स्ट्रेस से बचाना है, उसको उन जगहों पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ ओवर क्राउडेड हो या भीड़ हो, उन जगहों पे उसको नहीं छोड़ना है। अगर मैनेजमेंट आफ्टर बर्थ की बात, जब गाय सोती है, अब जब बच्चा जब पैदा हो गया हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी बच्चा पैदा होता है सबसे पहले हमें उसको कॉटन या उसको एक साफ सुथरे या ड्राई कपड़े से उसको साफ करना चाहिए, उसको ड्राई करना चाहिए, और उसकी नेवल कॉर्ड जो है उसको डिप करना चाहिए एक अच्छे से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में, आयोडीन या बेटाडीन में हम उसको हमें डिप करने की बहुत ज़रूरत है, सो दैट कि कोई इन्फेक्शन अंदर ना जाए। हमें काफ का वेट करना चाहिए, और सोने के 3 4 घंटे के बाद उसको हमें एक जो सबसे पहले फीडिंग करनी चाहिए वो एक अच्छे क्वालिटी वाला कोलेस्ट्रम उसको पिलाना चाहिए 3 से 4 घंटे के लिए, और 3 से 4 लीटर उसको पहले फीडिंग में देने की ज़रूरत है। हमें उसको एक
स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देने की अशद जरूरत है। कोई भी चीज ऐसे दिखे कि कोई भी जो नया न्यू बॉर्न का आप हो उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, हमें इमिडिएटली उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, सो दैट कि कॉप मोर्टेलिटीज बहुत कम रहे। जिन चीजों से हमें का मतलब जिन चीजों को हमें अवॉइड करना है, हमें जो वेट कॉप्स हैं हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहती है। और जो न्यूली बॉर्न काउज होते हैं हमें उनको इमिजिएटली उनको उनको अटेंड करना है, उनको साफ करना है, उनको गुड क्वालिटी वाला कोलेस्ट्रम पिलाने की जरूरत है। और जो वीक काउज होते हैं उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। जो मेन पार्ट है जो हाउसिंग जो एक पार्ट प्ले करता है काउस की मैनेजमेंट में, काउस की बॉडी ग्रोथ में, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। यूजुअली हमें ये करना चाहिए, जब भी जो भी काफ 3 महीने के होते हैं उनको हमें एक अलग पैन में रखने की जरूरत है। क्यों? सो दैट कि उनकी उनको जो स्ट्रेस वो स्ट्रेस लेवल कम रहे और बॉडी वेट उनका अच्छे से गेन करे। इसके साथ साथ अलग पैनल्स में रखने से और एक फायदा है, जो अगर कोई किसी भी काप में कोई इन्फेक्शन हो वो दूसरे काप्स को लगने का चांस नहीं रहेगा अगर हमको अलग पैनल्स में रखेंगे। जो वेंटिलेशन की बात करें, जो काप पैन होना चाहिए वो एक वेल वेंटिलेटेड, उसमें वेल लाइट लाइट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर अब काप पैन अगर उसमें वेंटिलेशन पुअर हो उससे क्या हो सकता है, जो एयर अंदर होगा वो हॉट होगा, ह्यूमिड होगा, डैम्प होगा, उसके उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। जो अमोनिया एक गैस है, हार्मफुल गैस है, और अदर हार्मफुल गैसेस उनकी मात्रा काप पैन में बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो उससे क्या हो सकता है, उससे ज्यादा मोर्टेलिटीज या काप्स की डेथ होने के संभावना बढ़ जाएंगे। अगर ग्रुपिंग की बात करें, हमें ग्रुपिंग काउस की कैसे करनी चाहिए, जो हमें एक पैन में 5 काउस रखने चाहिए जो सिमिलर एज के हो, यानी एक एज के हो, या उनका बॉडी वेट या बॉडी साइज एक जैसा हो, सो दैट उनमें कोई ऐसा ना हो कि कोई जब हम उनको फीडिंग करें कि कोई जो हेल्दी होगा ज्यादा वो ओवर डोमिनेंट किसी पे ना करें। इसलिए हमें 5 काउस जो एक पैन में 5 काउस जो सिमिलर साइज सिमिलर एज या सिमिलर बॉडी वेट के हो हमें एक पैन में रखने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन की बात अगर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मैनेजमेंट जो काउस का है उनको एक एफिशिएंट वे में हम कर सकते हैं और इनकी इनका एक अच्छा रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। तो किन किन मेथड से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो है ईयर नॉचिंग। हम कान में वी शेप का एक कट देते हैं, टैटोइंग एक हम करते हैं जो हम टैटोइंग मशीन से उनको इंजेक्ट करते हैं, ये परमानेंट मेथड्स है। और ईयर टैग्स हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन कि अगर बात करें, हमें जो काव पैन्स है उनको डेली बेसिस पे साफ और डिसइनफेक्ट करने की जरूरत है। क्यों? अगर कोई भी डंग कोई डेब्रिस कोई गोबर या काव वेब्स उसमें हो उनको हम डेली बेसिस पे हमें साफ करने की जरूरत है। डिसइनफेक्शन कैसे करें, हम सोडा हाइपोक्लोराइड या 4% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मलिन यूज कर सकते हैं। मेनली हमें फॉर्मलिन का यूज करने की जरूरत है क्योंकि ये जो अगर कोई भी इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरियल या ऑर्गेनिक मैटर का हो उस पर इजीली एक्ट करता है, उसको इजीली खत्म कर सकता है। तो बात करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल की, हमें किन किन वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। जो पहले 6 मंथ्स होते हैं, जो पहले 6 महीने होते हैं काप के, वो उनमें हमें ये जानने की जरूरत है कि उनका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज बहुत कमजोर होता है, उनमें कोई भी बीमारी लगने का खतरा लाहक होता है। इसलिए अगर हम उनको वैक्सीनेशन नहीं करेंगे उनको कोई भी डिजीज लग सकती है, कोई भी बीमारी लग सकती है, तो काफ मोर्टेलिटीज बढ़ सकती है। कौन कौन से डिजीज उनको अटैक कर सकते हैं, मेनली फुट एंड माउथ डिजीज, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर, ब्रुसेलोसिस, थिलेरियोसिस और एंथ्रेक्स। जो फुट एंड माउथ डिजीज का वैक्सीन है वो हम 4 महीने की एज पे हम उसको दे सकते हैं।
जो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है उसको 6 महीने की एज पे हमें देने की ज़रूरत है, जो ब्लैक वाटर है उसको हम 6 महीने की एज पे हम उसको देने की आवश्यकता है, जो ब्रुसेलोसिस है जो मेल फीमेल काफ्स को ही देने की ज़रूरत होती है वो 4 से 8 महीने के एज गैप में हम उसको दे सकते हैं, थिलीरियोसिस का जो वैक्सीन है वो 3 मंथ्स में देने की ज़रूरत है, और जो एंथ्रेक्स है वो 4 मंथ्स के एज में देने की आवश्यकता है। तो बात करते हैं डिवर्मिंग की। डिवर्मिंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, जब जो मेनली जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 3 4 महीने लेते हैं कि उसको कीड़े मारने वाली दवाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो पहले डिवर्मिंग हमें जो पहले बार कीड़े मारने वाली दवा वो 15 से 20 दिन के आसपास देना ज़रूरी है, उसके बाद मंथली बेसिस पे अप टू 6 मंथ्स हमें मंथली बेसिस पे उसको डिवर्मिंग या कीड़े मारने वाली दवाई देने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे लार्ज एनिमल्स में करते हैं डिवर्मिंग 3 3 महीने के बाद, 21 दिन के बाद रिपीट, तो वो फिर वो सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। तो वीनिंग की बात अगर हम करें, वीनिंग हम किसको बोलते हैं, बच्चे को माँ से अलग करने को हम वीनिंग बोलते हैं, जो साइंटिफिक टर्म वीनिंग है उसका मतलब यही है कि बच्चे को माँ से अलग करना। लेकिन बच्चे को अगर माँ से अलग करना है उसके लिए हमें उसको वो एनवायरनमेंट प्रेपियर करना है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रेपियर करना है उसके, उससे पहले कि उसको हमें माँ से अलग करे उसके लिए हमें वो कॉप एक गुड क्वालिटी कॉप स्टार्टर खिलाने की बहुत ज़रूरत है, सो दैट कि इसका बॉडी ग्रोथ अच्छे से हुआ हो और उसके अच्छे से हुआ हो उसको वो वैसा एनवायरनमेंट हमें देने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रेस फ्री हो। तो वीनिंग कब करनी चाहिए, 8 से 10 वीक्स का, जो जब बच्चा हो जाता है, जब काफ 8 से 10 वीक्स का हो जाता है तो तब हमें उसकी वीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों करनी चाहिए वीनिंग, वीनिंग हमें इसलिए करनी चाहिए सो दैट कि फार्मर को ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस ना हो, इकोनॉमिकल फार्मिंग ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जब बच्चे को हम माँ से अलग करेंगे जो वो दूध पीता था वो फार्मर इजीली बेच सकता है, तो उससे वो क्या कर सकता है, उससे उसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन फार्म की वो बेस्ट हो सकती है। जो गोल्डन स्टैंडर्ड्स होते हैं काफ रियरिंग के वो मेनली बॉडी वेट है। अगर हम बॉडी वेट पे अच्छे से केयर करने में कामयाब रहे या सफल रहे, दैट मीन्स कि हमारी जो मैनेजमेंट काफ रियरिंग में है वो सही सिमत में जा रही है। जो मेनली जो हम देखते हैं कि जो 24 आवर्स से लेके 2 मंथ्स की एज में जो बॉडी वेट जो बच्चे का जो काफ का होना वो डबल होना चाहिए, बर्थ वेट से वो डबल होना चाहिए। उसके बाद 3 मंथ से लेके 4 मंथ की एज में उसका जो डेली गेन होना चाहिए 1 kg पर डे के हिसाब से, उसका एक दिन 1 kg वेट बढ़ना चाहिए अप टू 4 मंथ्स। जो 5 से 6 महीने का गैप है उसमें 750 ग्राम पर डे के हिसाब से उसका वेट बढ़ना चाहिए। बॉडी वेट मेजर करने की हमें किन किन कंडीशंस में जरूरत है, बर्थ टू वीनिंग, वीनिंग टू 6 मंथ्स, वीनिंग टू ब्रीडिंग, ब्रीडिंग टू काविंग। क्यों, सो दैट हम इन चीजों का पता लगा सके कि बॉडी वेट जो सही सीमित में जा रहा है, जो बॉडी ग्रोथ सही सीमित में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर बॉडी वेट सही सीमित में जा रहा है सो दैट कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे होंगे, जो प्यूबर्टी होगी वो अर्ली होगी, हम काव जो काव्स हो जो हीफर हो उसको हम ब्रीडिंग के लिए प्रेपियर कर सकते हैं। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है काफ मोर्टेलिटीज या स्टिल बर्थ्स या बॉडी वेट। जो स्टिल बर्थ जो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए, या वो इनमें हम वो भी इंक्लूड करते हैं जिनको जो बच्चा पैदा हुआ जो काफ पैदा हुआ तो 24 घंटे में उसकी डेथ हो जाए, अगर वो फार्म पे किसी भी डेयरी फार्मर को अगर उसके फार्म पे 4 से 5% के बीच में स्टिल बर्थ या मोर्टेलिटी रेट है तो हम कह सकते हैं
अगर वो 4 से 5% के बीच में, हम कह सकते हैं कि फार्म का मैनेजमेंट अच्छे से जा रहा है। अगर काफ मोर्टेलिटी 1 से 2 महीने के बीच में, अगर वो 2 से 4% के बीच में है, तो तब भी हम कह सकते हैं कि ये कंसिडरेबल मैनेजमेंट हो रहा है। अगर काफ मोर्टेलिटी 2 महीने से लेके जब हीफर पहली बार हिट पे आती है 0 से 1% के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट अच्छे से जा रहा है। अगर बॉडी वेट की भी बात करें, बॉडी वेट की बात करें, अगर हम लार्ज ब्रीड्स की बात करें, तो जो डेली एवरेज डेली गेन होना चाहिए वो 750 ग्राम्स का एवरेज डेली गेन होना चाहिए। जो स्मॉलर ब्रीड्स है उनमें अगर 500 ग्राम्स का भी डेली वेट गेन हो, दैट इज सफिशेंट। अगर इससे नीचे बॉडी वेट डेली बॉडी वेट गेन हो, तो दैट मीन्स कि हम लैग कर रहे हैं मैनेजमेंट या फीडिंग प्रैक्टिसेस में, हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है न्यूट्रिशन। काफ को हमें, अगर बच्चा पैदा हो गया, तो हमें उसको क्या क्या खिलाने की आवश्यकता है, क्या क्या खिलाने की जरूरत है। जैसे मैनेजमेंट की बात मैंने की कि मैनेजमेंट भी बच्चा पैदा होने से पहले ही ड्राई पीरियड से ही स्टार्ट होता है, वैसे ही फीडिंग भी ड्राई पीरियड से ही स्टार्ट होती है। हम अगर जो गाय ड्राई पीरियड में हो या ट्रांजिशन पीरियड में हो, अगर उसका हम अच्छे से केयर ना कर पाए, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो काफ अंदर पल रहा हो उसकी ग्रोथ हैम्पर या कम हो जाएगी, या जो कोलेस्ट्रॉम अंदर बन रहा हो उसकी जो क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं वीक होगी। इसलिए हमें इस पीरियड में गुड क्वालिटी कंसेंट्रेट्स, या उसके साथ साथ जब अगर हम ड्राई फीड या हम ट्रांजिशन फीड दे रहे हैं, उसके साथ साथ गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन फोडर देने की जरूरत है, सो दैट कि जो एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन या वाइटामिन कोलेस्ट्रॉम में बने वो अच्छे बने, अच्छे क्वालिटी के बने, सो दैट दे प्रोवाइड इम्यूनिटी केयर टू द काफ। अगर पहले 3 मंथ्स की फीडिंग की बात करें, उसको हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉम फीडिंग, उसके बाद होल मिल्क फीडिंग, उसके बाद काफ स्टार्टर फीडिंग, उसके बाद मिल्क रिप्लेसर फीडिंग, उसके बाद रफेज या हे फीडिंग। ये पहले 3 मंथ्स की फीडिंग हमें इस तरीके से काफ को करनी चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रम फीडिंग की, कोलेस्ट्रम फीडिंग क्यों जरूरी है? कोलेस्ट्रम इसलिए पिलाने की जरूरत है क्योंकि इससे इम्यूनिटी काफ को तुरंत मिलती है, सो दैट कि उसको डिजीजों के बीमारियों या डिजीज के साथ लड़ने की क्षमता पैदा होती है। अब जो सबसे पहला फीडिंग हमें, जो भी काफ पैदा हुआ होता है, उसको हमें कोलेस्ट्रम की ही पिलाना चाहिए। कब पिलाना चाहिए? 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको पहली कोलेस्ट्रम की फीडिंग करनी चाहिए। उसके बाद कितना पिलाने की जरूरत है, उसको एटलीस्ट 3 से 4 लीटर्स जो कोलेस्ट्रम है उसको पिलाने की आवश्यकता है। मेनली जो कोलेस्ट्रम की फीडिंग होती है वो 10% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से करनी जरूरी है। अगर क्वालिटी की बात करें, जो कोलेस्ट्रॉम हम बच्चे को या काफ को पिलाते हैं, वो सारी जो मतलब डेब्रिस या ब्लड या मैस्टाइट्स मिलिक इसे फ्री होना चाहिए। कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए, मेनली जोनिस या ट्यूबरक्लोसिस, और उसमें जो कंसेंट्रेशन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, वो अच्छी होनी चाहिए। तो मेनली जो करेक्ट फीडिंग मेथड है, वो जैसे मैं दिखाने लगा हूं, जो करेक्ट फीडिंग मेथड है वो टू जो लिखा है इसमें जो मैं बता रहा हूं। क्यों? जो मेनली जो फंक्शनल पार्ट होता है काफ का, वो होता है एबोमेसन। रूमन या रेटिकुलम या कोई भी जो अदर पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं होते हैं। जब भी बच्चा मां से दूध पीता है एलिवेशन में दूध पीता है, तो वो डायरेक्टली जो दूध वो जाता है या जो कोलेस्ट्रॉम पीता है वो जाता है एबोमेसन। वहां उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से होती है कि वो काफ को
डिजीज से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। लेकिन जो अवॉइड हमें करना चाहिए, हमें जो नीचे रख के किसी भी बकेट में, किसी भी टब में कॉब को फीडिंग नहीं करनी करानी चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसे फीडिंग कराएंगे जो थोड़ा सा पार्ट जो जो भी वो हम खिलाते हैं उसको, वो रूमेन में चला जाएगा, उससे ब्लोट या टेम्पेनी या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने का खतरा लाहक है, क्योंकि रूमन फंक्शनल पार्ट नहीं होता है। ओनली जो फंक्शनल पार्ट होता है, जो अप टू 3 मंथ्स जो काफ होता है, उसकी लाइफ में सिर्फ एबोमेजम जो फंक्शनल पार्ट होता है। हमें कोलेस्ट्रम पिलाने की क्यों इतनी आवश्यकता है बच्चे को या काफ को? जैसे जो काफ पैदा होता है, जो पहला महीना होता है उसका, उसमें उसको कोई भी इम्यून सिस्टम फंक्शनल नहीं होता है, कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती है, कोई भी डिजीज या बीमारी से लड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी उसमें डिजीज से लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती है। तो जब हम उसको कोलेस्ट्रॉल पिलाते हैं तो वो उसको एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उससे उसको डिजीज से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। अगर कोई इन्फेक्शन एंटर कर भी जाए तो वो उस इन्फेक्शन के साथ लड़ने में सफल रहता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रम एक लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जो पहला जो उसका फीसिस होता है उसको इजीली पास आउट करने में हेल्पफुल रहता है। उसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रम होता है वो गुड सोर्स होता है वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, जो जो ऑल्सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रम में और भी जो एंटीबैक्टीरियल सबस्टेंसेस, जो जो अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको उसको खत्म करने में काफी हद तक हेल्पफुल रहते हैं। वो कौन कौन से सबस्टेंसेस हैं? मेनली लैक्टोफेरिन, लैक्टोपरॉक्सीडेज और लाइसोजाइम। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ के अंदर एंटर कर जाता है तो ये सारे जो सबस्टेंसेस है, एंटीबैक्टीरियल सबस्टेंसेस कोलेस्ट्रम के द्वारा जो उसको प्रोवाइड होती है, उसको उस इंफेक्शन को खत्म करने में सफल रहता है। तो कॉप स्टार्टर की फीडिंग की बात करें तो कॉप स्टार्टर होता क्या है? एक सॉलिड फीड होता है, इसमें ग्राउंड ग्रेन्स होते हैं, ऑयल केक्स होती है, ब्रांस होती है, जो जिसमें इस जिनमें वो फोर्टिफाई होता है, वो एनरिच होता है किन किन से? वाइटामिन से, मिनरल से, और उसमें एंटीबायोटिक फीड सप्लीमेंट्स भी मिलाई होती है। कॉप स्टार्टर कब देना चाहिए? जब बच्चा 14 दिन का होता है, जब कॉप 14 दिन का होता है तब हमें उसको कॉप स्टार्टर खिलाने की जरूरत है, गुड क्वालिटी कॉप स्टार्टर खिलाने की जरूरत है। उसकी क्या फायदे है, कॉप स्टार्टर के क्या फायदे है? कॉप स्टार्टर जो मेनली जो हेल्प करता है कॉप को, उसको उसका जो बॉडी वेट ग्रोथ करने में उसको उसके उसका हेल्पफुल रहता है। उसके साथ साथ उसके रूमन डेवलपमेंट भी उसका काफी महत्वपूर्ण विषय रहता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि कॉप न्यूट्री कॉप जो कॉप स्टार्टर जो है उसमें क्या क्या होता है, जो मेनली जो प्रोटीन लेवल जो कॉप स्टार्टर की होती है वो 23 से 26% की मेनली होती है। जो डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी होती है वो 75% होता है। उसके साथ साथ उसमें मिनरल्स की अच्छी खासी संख्या होती है, जिनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और मैंगनीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, इनके साथ साथ ये जो ये मिनरल्स होती हैं वो उसको एक एक बॉडी ग्रोथ, उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का के ग्रोथ में भी हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें वाइटामिन्स, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई भी अच्छी खासी संख्या में होता है, जो इसको एक अच्छा इम्यून सिस्टम प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो मिल्क रिप्लेसर की बात करते हैं, मिल्क रिप्लेसर क्यों देने की जरूरत है? मिल्क रिप्लेसर क्यों देना जरूरी है? इसलिए जो फार्मर जो कॉफ रेयरिंग करता है उसकी जो कॉफ रेयरिंग है वो इकोनॉमिकल हो, और जो कॉफ का बॉडी वेट वो ऑप्टिमाइज हो, वो अच्छे से ग्रो करे, और रूमेन डेवलपमेंट अच्छे से ग्रो करे। वो कैसे हो सकता है? मिल्क रिप्लेसर से बच काप को
एक एडिक्वेट एनर्जी मिलती है, एडिक्वेट प्रोटीन मिलता है और गुड अमाउंट ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं। वो उसकी बॉडी ग्रोथ, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जो मिल्क रिप्लेसर होता है, ये एक पैलेटेबल होता है, ये इजीली जो काफ है इजीली उसको खा भी सकता है और इजीली पचा भी सकता है। और वेट गेन जो मिल्क रिप्लेसर के द्वारा काफ में होता है, वो होल मिल्क से काफी काफी ज्यादा बेहतर होता है। बात करें अगर हम रफेज फीडिंग या हे फीडिंग की बात करें, जो हे फीडिंग जो हमें हे मेनली जो है वो 3 महीने के बाद ही काफ को खिलाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उससे पहले उसको हे की फीडिंग करें तो रूमेन डेवलपमेंट होनी थी वो काफी हैम्पर हो जाएगी, वो बहुत उसमें काफी बुरा असर पड़ जाएगा। इसके साथ साथ रूमेन डेवलपमेंट अच्छे से होगा नहीं, तो उसके साथ अगर रूमन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ तो उसके जो बॉडी ग्रोथ है उस पर भी बैड इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर तो हमें इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें जो हे फीडिंग है वो आफ्टर 3 मंथ्स करने की जरूरत है। इससे रूमन डेवलपमेंट भी काफी अच्छे से होगा और एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिल जाएगी, और जो ब्लोट या टेम्पेरी या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन लगने का खतरा लाहक होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। जो समरी जो निचोड़ की बात करें, हमें किन किन चीजों पे काफ रेयरिंग के दौरान हमें किन किन चीजों का मेनली ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो मेनली हम कोलेस्ट्रम हम जो बच्चों को या काफ्स को पिलाते हैं वो बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रम होता है, उसमें वो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपरली नहीं होता है। सो दैट उससे क्या इम्पैक्ट आता है, जो बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में काफी बैड इम्पैक्ट आता है, बुरा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रम का जो मेन रोल है वो है फीड एफिशिएंसी की कन्वर्शन, जो फीड एफिशिएंसी उसको बढ़ा देता है। उसके साथ साथ जो एवरेज बॉडी वेट गेन है उसको भी बढ़ाने में काफी कारामद होता है, और लैक्टेशन पोटेंशियल जो मिल्क कैपेसिटी जानवर की, अगर हम अर्ली उसको उस पर ध्यान दें तो मिल्क कैपेसिटी जानवर की वो बढ़ा भी सकता है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो मेनली इंडियन फार्मर्स है वो जो मैंने अभी बताया पीछे, जो वो करते हैं क्या है कि वो जो हे फीडिंग या फोडर फीडिंग, वो जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ साथ ही उसको हे या रफेज या कोई भी हे डाल देते हैं, उससे उसका रूमन डेवलपमेंट हैम्पर होता है, बॉडी ग्रोथ हैम्पर होता है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो ग्रोथ है वो भी हैम्पर हो जाता है। तो हमें हे की फीडिंग या रफेज की फीडिंग जो मेनली हमें 3 मंथ्स के बाद ही देनी चाहिए। उसके बाद हमें हाउसिंग और जो बेटर हाउसिंग देने की जरूरत है, उसके साथ साथ जो अच्छे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम फार्म पे या काफ रेयरिंग में हम अप्लाई कर सकते हैं वो देने की जरूरत है, सो दैट कि हमारी जो काफ रेयरिंग है वो सक्सेसफुल या कामयाब रहे। धन्यवाद।